मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। नाक से, जिनको भी नाक से बहुत पानी जाता है उनकी दो औषधि है। एक मैं पहले बता चुका हूं कि उनको दही में चूना मिला के खिलाइए, रोज 100 ग्राम दही 1 ग्राम चूना, 15-20 दिन में ठीक हो जाए। दूसरी उनकी औषधि है कि गाय का तूप रात को नाक में डालिए सोते समय, एक एक थेम दोनों नाक में, तो 3 दिन के बाद ही पानी जाना बंद हो जाए गाय का तूप। सर्दी बहुत होती है, छींक बहुत आती है, नाक से पानी निकलता है, ऐसे किसी भी मरीज को एक एक थेम गाय का तूप रात को सोते समय नाक में डाल दीजिए, नींद बहुत अच्छी आएगी और नाक से पानी निकलना, छींक आना, सर्दी ये सब बंद हो जाए। देखिए मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि हमारे मस्तिष्क में ऐसा एक हिस्सा है जहां तक कोई दवा नहीं पहुंचती, ना होम्योपैथी की, ना एलोपैथी की, ना आयुर्वेद की, किसी भी तरह की दवा मस्तिष्क के कुछ एक हिस्से तक कभी भी नहीं पहुंचती। लेकिन गाय के तूप की ताकत यह है कि वो मस्तिष्क के हर हिस्से तक पहुंच जाता है, हर हिस्से तक पहुंच जाता है। ये अद्भुत है। इस पर अभी रिसर्च कर रहे हैं हम लोग कि ऐसा क्या है गाय के तूप में जो मस्तिष्क के उस हिस्से तक भी पहुंच जाता है जहां तक कोई औषधि नहीं पहुंचती। ये गाय के तूप में है, इसलिए मस्तिष्क की गंभीर से गंभीर कोई बीमारी हो उसमें गोल का गाय का तूप सबसे अच्छा है। रात को नाक में डाल दीजिए एक एक थेम, वो दिमाग के वहां तक पहुंच जाता है जहां कोई नहीं पहुंचता, बहुत अच्छे परिणाम देता है। आपको जिस आंख से नहीं दिखता है उसमें रोज गाय के मूत्र का एक एक थेम डालिए, 3-4 महीने सतत डालिए, फिर मुझे बताइए। और कोई प्रश्न जी? खर्राटे, हाँ यस, जो रात को सोते समय बहुत खर्राटे भरते हैं उनकी भी यही औषधि है कि उनको गाय का तूप एक एक थेम नाक में के बाद खर्राटे बंद हो जाते। एक ही दिन लगेगा, दूसरे दिन से खर्राटे आएंगे ही नहीं। जिनको पैरालिसिस का झटका आया हुआ है, शरीर के किस अंग में आया है वो देखिए, लेफ्ट या राइट? राइट। तो राइट में अगर पैरालिसिस का झटका है तो लेफ्ट नॉस्ट्रल, बाई नाक में, दाबे बाजू की नाक में गाय का तूप डालिए। राइट में है तो लेफ्ट में डालिए, लेफ्ट में है तो राइट में डालिए, 3-4 महीने सतत तूप डालिए।